आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने इस मैच में शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने छक्कों के एक खास रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। ये दुनिया के सबसे बड़े हीटर कहे जाने वाले एमएस धोनी, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स तक को पछाड़ दिया है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली पारी की शुरुआत करने के लिए आए। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विराट कोहली ने ओपन करते हुए काफ़ी तेज शुरुआत की और सिर्फ 36 गेंदों पर भी उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 59 गेंदों पर शानदार 83 रनों की नबात पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कुल 4 छक्के जड़े। विराट कोहली के नाम अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए सबसे ज़्यादा छक्के हो गए हैं। वहीं इस लिस्ट में उन्होंने एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने जैसे ही इस मुकाबले में अपनी दूसरा छक्का जड़ा, वह एबी डिविलियर्स के आगे निकल गए। वही तीसरा छक्का लगाते ही वह क्रिस गेल से भी आगे निकल गए। विराट कोहली के नाम अब कुल 240 छक्के हो गए हैं, जो कि उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए सबसे ज़्यादा छक्के जड़े हैं। वही क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के लिए 239 छक्के और एबी डिविलियर्स ने कुल 238 छक्के जड़े थे। विराट कोहली ने अपने साथी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को तो पछाड़ दिया है, साथ ही साथ उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को भी छक्कों के एक रिकॉर्ड में पछाड़ दिया है। विराट कोहली आईपीएल में अब सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं। इस मैच से पहले वह धोनी से पीछे 5वें स्थान पर थे, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी 5वें नंबर पर आ गए हैं। धोनी ने आईपीएल में कुल 239 छक्के जड़े हैं।